लास्ट एपिसोड में आपने देखा दोनों क्रिमिनल भाई अलोक एडम जय की टीम को कब्जे में कर लेते हैं और जैसे ही वो निन्नी को मारने वाले होते हैं तभी अलोक बीच में कूदता है। वो कहता है कि अगर तुमने बनी को जिंदा छोड़ दिया तो वो उनके मरे हुए भाई को इस दुनिया में वापस लाने की कोशिश करेगा। क्रिमिनल ये बात मान लेता है पर इतने में यहाँ पे आ जाते हैं पर्पल शेट के गुंडे और वो मारना चाहते हैं इन सब लोगों। मौके का फायदा उठा के क्रिमिनल का पेट लियो यहाँ पे कर देता है फ्लैश बैंक और सब लोग मिलकर भाग जाते हैं और अपने को देखने को मिलता है पहली बार इन सबका टीम अप और पर्पल शेट के गुंडे भी इन लोगों का इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। वो लोग इनके मौत का तमाशा देखने के लिए खड़े थे लेकिन हमारे क्रिमिनल्स और दोस्तों ने मिलकर एक एक करके सारे दुश्मनों को मौत घाट उतार दिया और उनको सबक सिखा दिया और अब ये लोग एक साथ टीम अप कर चुके हैं। अब बस देखना यही है कि क्या ये लोग कामयाब होंगे, क्या एंड्रू सक्सेसफुली टेलीपोर्ट गन बना भी पाएगा या फिर नहीं, और क्या क्रिमिनल और बाकी सभी लोग मरे हुए क्या जिंदा हो पाएंगे। जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो क्या खबर लाए हो तुम मेरे लिए? मुझे माफ कर दो मालिक, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपके लिए वो रैम्पेज का पवित्र पत्र ढूंढ सको लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने पूरा GTFI छान मारा, यहाँ तक कि पूरा फ्री फायर ढूंढ दिया लेकिन वो रैम्पेज पत्थर मुझे कहीं नहीं मिला। पर मालिक, अगर आप मुझे एक और मौका दे और थोड़े दिन की मोहलत दे दे तो वो पत्थर मैं आपके लिए कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा, ये मेरा वादा है। ए बॉस, ये झूठ बोलता है, ये रात भर लड़कियों के साथ गेम खेल रहा था। क्या ये बात सच है? ये बात मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। ताका ये सब झूठ है, मैं आपका वफादार हूँ, मैं बस आपका ही काम कर रहा था। मुझे तुम पे भरोसा है, आखिर तुम मेरे वफादार सिपाही हो। पर कल रात तुम जिस मिस रिया के साथ खेल रहे थे उसे तो कह रहे थे डाका ने मुझे गुलाम बना के रखा है। हाँ, मैंने तुम्हें नुबड़े से प्रो बनाया, अच्छे अच्छे बंडल लेके दिए, अच्छे अच्छे गन स्किन लेके दिए और उल्टा तुम मेरी ही बुराई कर रहे हो। आपको ये सब कैसे पता मालिक? क्योंकि वो मेरी ही फेक आईडी थी। तुम्हें कोई भी आके बोले हाँ मैं तो मिस रिया हूँ, अरे मुझे अपना नंबर दे दो, तो मान जाओगे। तुम्हें सोने का लोटा भी दे दो ना तो तुम उससे पिछवाड़ा ही साफ करोगे। माफ कर दो मालिक, माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो मालिक, गला दबरा है मेरा, माफ कर दो। तुमने जो गलती की है उसकी माफी नहीं होती। जो मेरे किसी काम का नहीं उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। आपको भी अगर फ्री फायर खेलते खेलते रिवॉर्ड जीतने हैं तो यूज करो IMBR ऐप को। IMBR इंडिया का फर्स्ट सोशल गेमिंग ऐप है बैटल रॉयल प्लेयर्स के लिए। यहाँ पे जाके आप अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो डेली बैटल्स में, सिटी के MVP बन सकते हो वीकली बैटल ग्राउंड्स में और साथ ही साथ टॉप प्लेयर भी बन सकते हो अपनी सिटी के। सबसे मजे की बात कि IMBR सुपर सिंपल है यूज करने के लिए। जब भी आप अपना गेम खेलोगे जैसे कि फ्री फायर, BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, तब IMBR ऑटोमेटिकली आपको स्कोर को कैप्चर कर लेगा और उसी के हिसाब से आपको शार्ट्स एंड स्क्रैच कार्ड मिलेंगे जिसको आप बाद में शॉप में जाके इनकी रिडीम भी कर सकते। और रिडीम करने के लिए यहाँ पे काफी सारे प्राइजेस हैं जैसे कि हेडसेट, मोबाइल फोन, फ्लिपकार्ट वाउचर्स एंड मेनी मोर। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो सारे रिवॉर्ड्स मैंने आपको बताए डेली रिफ्रेश होते रहते हैं, मतलब और भी ज्यादा आइटम्स यहाँ पे रोज ऐड किए जाते हैं। तो अब जब मैंने दोस्तों इस कमाल के ऐप के बारे में आपको इतना सब कुछ बता दिया है तो दोस्तों देर किस बात की। ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ 7 लाख+ बैटल रॉयल गेमर्स नाउ। इसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना IMBR ऐप को। लगता है मेरे साथी आ ही गए, कुछ अच्छी खबर लाए होंगे। Rampage जिंदाबाद, Rampage जिंदाबाद, Rampage जिंदाबाद। बोलो मेरे साथियों, क्या खबर लाए हो मेरे लिए? Rampage का इवेंट अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है, हम जल्द यहां से निकलेंगे और फ्री फायर में अपना कहर बरसाएंगे। पर मालिक, एक बुरी खबर है, इस बार आपको उनने रिप्लेस कर दिया है और दूसरा बंडल ला लिया है आपके बदले में। क्या मतलब कि मुझे बदल रहे हैं? ये सच है मालिक, वो रैम्पेज के लिए किसी नए चेहरे को लाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस बार नया बंडल इंट्रोड्यूस कर दिया है और वो भी आपकी वजह से। जब आपने भुया डे कुमारा उसकी पावर छीनी तो गरीना को ये कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही पसंद आया। उन्हें रैम्पेज के DNA और लेजेंडरी ताकतों को साथ में मिला के एक ऐसा बंडल बनाया है जो सब पे भारी है, आप पे भी सर। उसमें रैम्पेज और लेजेंडरी बंडल दोनों की शक्तियाँ है, आज तक की पूरी रैम्पेज हिस्ट्री में उससे पावरफुल कोई नहीं है। गरीना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैंने शुरू किया था ये रैम्पेज, जानते हो मैंने कितनी कुर्बानियां दी है, पर अब बहुत हो गया, हम जा रहे हैं उस रैम्पेज के बच्चे को सबक सिखाने। तैयार हो जाओ मेरे साथियों, लगता है पुराने तरीके से जंग करनी पड़ेगी।
करीना एक बात भर रही है, जो रैंपेज शुरू कर सकता है वो ही रैंपेज खत्म भी कर सकता है। आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने बना ही ली डायमेंशन पोर्टल मशीन। इस मशीन के वजह से हम दो डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। इसे साफ भाषा में सस्ता बायफोर्स मान लो, थॉर वाला, या फिर हम इसे डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल भी बोल सकते हैं। वो सब मार्वल कॉमिक में होता है, यहाँ पर नहीं। मैं तो बस अपनी फीलिंग्स बता रहा था। पार में गई तुम्हारी फीलिंग, पहले तू इतना बड़ा ये काम करेगा नहीं करेगा। मुझे श्री अपने भैया जी को आवाज लाना है, समझ गए ना? जल्दी मशीन चालू करो। इसे देख के तो मुझे डोरेमोन की टाइम मशीन याद आ गई। पर एंड्रयू, तुमने तो इसमें सीट लगाई नहीं, हम लोग कहाँ पर बैठेंगे? अरे एडम, इसकी सीटा ऊपर नहीं है, इसकी सीटा अंदर है, हम अंदर बैठ के ट्रैवल करेंगे। जय एडम, ये मशीन कहीं पे नहीं जाने वाली। ये तो समस्या है रे बाबा, क्या करेंगे अब? ए एडम, एक काम कर, फ्रैंकी भैया घर में पुरानी टाइम मशीन पड़ी है, वो लेके आते हैं। चल ठीक है, चलो। होय एडम, ये इस टीम में एक से एक नमूने भर के, इनको इतना भी नहीं पता डायमेंशन ट्रैवल क्या होता है। बॉस पर ये आपसे कम ही पागल है। ए, क्या बोला तूने? बस कुछ नहीं, मेरा एक सवाल है एंड्रयू, ये मशीन काम कैसे करती है? चलो किसी ने तो सही सवाल पूछा। ये मशीन काम करती है क्वांटम फिजिक्स पे। सुना तुमने, क्या बात हो रही है अंदर? क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैं वहां से हट गया। देखा, ऐसी बातें कर रहे हैं अंदर ये लोग। सबसे पहले हमें इस मशीन में जिस जगह जाना है उसके कोऑर्डिनेट्स डालने होंगे। फिर जैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे, इसमें से निकलेगी एक बीम और जो भी उसके सामने आएगा वो एटॉमिक लेवल पे छोटा हो जाएगा। सब एटॉमिक लेवल पे छोटे होने के बाद हम पहुंच जाएंगे क्वांटम रियलम में, और एंड्रयू के प्रीलोडेड मैप की वजह से हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और यही तरीके से ये मशीन काम करती है, जिसे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये मार्वल कॉमिक का ज्ञान तुम्हारे पास ही है। बहुत क्वांटम वेनम के तो आप फंस भी सकते हैं ना, और अगर गलती से मल्टीवर्स ट्रैवल कर दिए तो। देखो निन्नी, ये मल्टीवर्स है, कोई मजाक नहीं। तुम्हारी एक गलती की वजह से गॉब्लिन, वेनम, आयरन मैन सब इधर आ सकते हैं, पता है? सच मां देखा? नहीं, मजाक किया। पर अभी जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल मजाक नहीं होगा, और वो सबके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब लोग यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले तुम लोग ये जान लो कि ये मशीन एक बारी में सिर्फ 5 लोगों को ही ट्रैवल कर सकती है। हम में से कुछ लोगों को यहाँ पे रुकना होगा, तो ग्रीन क्रिमिनल और वेनम तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा। हमेशा ये मामलों में तुम मुझे पीछे क्यों रख देते हो? मुझे भी मल्टीवर्स ट्रैवल करना था। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस डायमेंशन की कोई भी चीज इस डायमेंशन में ना आ पाए। एंड्रयू, एक सवाल है, क्या हम वहाँ का खाना खा सकते हैं? कहीं हम खाना खाते फट तो नहीं जाएंगे? क्या बात कर रहे हो? पर ये तो बताओ कि हम अपने मरे हुए भाइयों को वापस कैसे लाएंगे? तुम्हारे हिसाब से अभी वो कोई कैद खाने में है, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा क्रिमिनल, और उस कैदखाने का नाम है पीपीडी हेडक्वार्टर। मैं बस तुम्हें पीपीडी हेडक्वार्टर तक पहुंचा सकता हूँ, उसके आगे की जंग तुम्हें ही लड़नी है। ये हमेशा आसान काम ले लेता है, हमें यहाँ पे आके लड़ना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल यार, हमेशा लड़ना पड़ता है, ये मेरे बॉडी में ताकत नहीं है, मैं नहीं आ रहा। ए वेनम, तुझे बोला जय, तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे भी दोस्त वहाँ पे कैद है। क्या तुम क्रोनो को भूल गए? क्या तुम वुकोंग को भूल गए? या फिर तुम क्लार्क की कुर्बानी को भूल गए? हम इन सभी को पीपीडी हेडक्वार्टर से आजाद कर देंगे, उस डायमेंशन में जा। क्या करूँ, क्या करूँ मैं इसका? मार भी नहीं सकता, लाइफ तो देता है मुझे। मैं तो पूरी टीम वहाँ पे कैद है, ब्लड मून, मनी हाइट, जीजे हाइट और बहुत सारी, मुझे सबको मारना है। हाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसकी टीम और इसकी टीम तो कट्टर दुश्मन है ना, मतलब ये साथ में कैसे आएंगे? टीम तो दोनों में से कोई एक ही आएंगे, अगर दोनों आ गए तो दंगे फसाद हो जाएंगे। चलो बहुत बातें कर रही दोस्तों, अब वक्त है डायमेंशन ट्रैवल का। ओके एंड्रयू, हम सब ठीक है, मशीन चालू करो। एक मिनट, मैं दिख रही हूँ, मुझे आगे लो, मुझे इसके बाजू में खड़ा नहीं रहने का है। मुझे भी कोई शौक नहीं है बाजू में खड़े रहने का। क्या बोला तूने? चलो तो मशीन स्टार्ट की जाए। एडम, एडम, उंगली ऊपर, डरने लगेगा। बिल्कुल दोनों उंगली ऊपर रखो मेरी जैसी, देखो हंसो हंसो, हंस के दो उंगली ऊपर करो। ये पगला स्मार्ट मॉब देख के आया है, मुझे तो वैसे भी डर लग रहा है। ओ कम ऑन दोस्तों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इस मशीन को मैंने 1000 से ज्यादा बार टेस्ट किया है और हमेशा रिजल्ट सक्सेसफुली आया है, तो तुम अपने दोस्त पे भरोसा कर सकते हो। हाँ, इस मशीन को तो काम करना ही चाहिए, वरना मैं तुझे मौत के वर्ष में भेज दूंगा। हंस रहे हलकत यार, मेरी तो बहुत फट रही है। तैयार हो जाओ दोस्तों, मैं मशीन स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्सेस मेन प्रोग्राम
एक्सेस लोकेशन कोऑर्डिनेट्स, एक्सेस इज अ बरमूडा फाइनल प्रोजेक्ट। मुझे पीपीडी की लोकेशन मिल गई, अब एक्सेस करते हैं पीपीडी को। और ये ऑन। घबराओ मत एडम, तुम हीरो लग रहे हो पूरे, उंगली ऊपर रखो। फाइनल टेस्टिंग स्टार्ट, कोड 000, एडम एक बॉट है 0। कमांड फंक्शन ओवरराइड, मशीन स्टार्ट होने जाने वाली है, 10 सेकंड में लॉन्च होगा। अल्फा, बीटा, गामा, एक्सएल 6, एसएक्स 4। अरे ये तो स्टार्ट हो रही है। सच बताओ तो मुझे भी थोड़ी घबराहट सी हो रही है। अब क्या पांडा? आधा पांडा कौन पांडा? किसने कहा था सबसे ज्यादा? सेकंड रिंग ओवरराइड मंजूर है, पासवर्ड 1525289। अरे बाप रे, मशीन तो बहुत स्पीड में उड़ रही है। अच्छा हुआ उसे सामने खड़ा नहीं। गुड बाय बॉस, वापस से भी लौट के बताना। चलो जाओ। ये क्या हो रहा है, मशीन को क्या हो रहा है? ये सब ठीक तो है ना एंड्रयू? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं देख रहा हूँ। अरे इसे ये क्या हो रहा है? ये रेडिएशन वेव अचानक से कैसे बनने लग गया? मैं जब चेक किया जब तो ठीक था। ये क्या हो रहा है, मशीन को क्या हो रहा है? ये एंड्रयू इसे बंद कर, ये ओवरलोड हो रही है, ये बहुत आवाज कर रही है, बंद कर इसे। बंद, मैं इसे बंद नहीं कर सकता, ये बैटरी पे नहीं चलती। तो किस पे चलती है? ये गामा पावर से चलती है बेवकूफ। अरे गामा पावर? अरे बंद कर रहे, कैसी भी करके बंद कर, सब मर जाएंगे भैया। अरे तू चुप चुप बोल, तो बोलता हूं। एंड्रयू बीम निकल गई, बंद करो इसे। अरे मैं नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल में नहीं है। बंद करो एंड्रयू, बंद करो, बंद करो, कर रहे कुछ, कर रहे हो तो बंद करो, कर रहा हूँ, बंद होगी, बंद होगी, बंद होगी, बंद होगी। ओ नहीं, लगता है हमसे कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। बंद करो, मार्वल का गैंग वाटा है आगे। पता नहीं कहाँ लगा, मैं इस बात पर बंद जिंदा है भाई। हम्म, वापिस आ गए, अभी मापनी। स्पाइडरमैन, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ए मत जाओ उधर। हाँ ना, मैं आता। हाँ वापिस मत जाना, एंड्रे कहाँ है ना, किसी के पास मत जाना। नहीं, मिस्टर फैंटास्टिक, वांडा ने उसका सर फोड़ दिया। नहीं, सोचा कहाँ जाना था मैं। वो ये क्या हुई? ये प्रिज्म का रहना है, हम बस पहुंच रहे हैं। मैं तो बस बदबू है, पता नहीं क्यों। और ये अब अपना अंदर खींच रहा है। ये लगता है कुछ गलत जगह है। ये ब्लैक होल है। नहीं मरे, मुझे तो कुछ फील हो रहा है। अरे यहाँ पे जमीन है। अबे मेरे मुंह पे से उठो बे। मुझे काफी अलग लग रहा है। अरे कौन सी जगह? धक्का गिर जाऊंगा मैं। अबे गिरा गिरा हम कहाँ आ गए? आयला, ये सायरन इतने जोर से क्यों बज रहा है? अरे ये गेट कैसे खुल गया? ये गेट क्या है? क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? ये गेट तो हर रोज खुलते हैं, पर पता नहीं आज कुछ अलग ही लगता है। ये क्या है?
इंतजार था वो घड़ी आ ही गई भैया जी। चिमकांडी हो सा भाई बैठो रे, कोई बाहर नहीं आएगा, भाई का झगड़ा है, भाई अकेले सॉल्व करेगा, समझ गया? अंदर घुस रहे बाप, बिल्कुल अंदर, बाहर मत निकल। अरे पर मुझे खा, चुप। अरे पर मुझे मुंह दे, चुप। अरे पर हाथ ना, चुप। अंदर रह बोला ना, ये भैया जी का झगड़ा है, अगर कोई बाहर आया ना तो ढोलक के समान मजा देंगे, समझ गए ना? तो भैया जी डर गए क्या? निकल ब्लडमून, ये पागल हो गया है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। मनी भाई सही कहता है, इसका दिमाग फिर गया है। तुम्हें इससे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं ब्लडमून, तुम अंदर ही रहो। बोरो क्रिमिनल ना, मैं कभी पीछे हटा था ना पीछे हटा हूँ और ना ही पीछे हटूंगा। अबे तेरी और मात जैसे मेरे दोस्त कहा करते थे। ओ बलमून, टाइम आउट, हट जाओ रिंग से, टाइम आउट बलमून, हो गया बस काफी है। छोड़ो उसे, छोड़ो मेरे भाई को, वो तुम्हें मार देगा, छोड़ो छोड़ो, जब मेरे भाई को वो मार देगा। ओ भैया जी, तुम हमें नहीं हरा सकते। बलमून खत्म कर दो उस क्रिमिनल के बच्चे को। दिखा दो तुम हो बलमून, ऑल इज फ्री। चटके लग रहे हो। ये किसने किया? किसने मारा से? ये काम तो एक ही बंदा कर सकता है। आ गए गार्डर। पर बुर्ज खलीफा नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें यहाँ पे बुर्ज खलीफा नहीं मिलेगा क्योंकि हम ना ही दुबई में हैं और पता नहीं हम किसी रेगिस्तान में भटक चुके हैं। एंड्रू ने हमें फिर से धोखा दिया। नहीं, एंड्रू हमें धोखा नहीं दे सकता, वो हमारा दोस्त है, जरूर उससे कुछ गलती भी होंगी। हाँ हुई ना गलती, अब ना हम GTA 5 में ना ही फ्री फायर में, हम बच चुके वीरान रेगिस्तान में। क्रिमिनल ज्यादा चिल्लाना बंद करो, अगर ज्यादा बोला तो गला सूख जाएगा और एक वीरान रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है, इसलिए सोच समझ के बोलो। क्रिमिनल दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या यहाँ पे इंसान है भी या नहीं? अरे इंसान का दिख रहे, हम इतने इंसान है इधर सिर्फ। क्या कर रही इतने सुनसान एरिया में? किसके लिए? ओ हेलो, कोई है? एक मिनट रुक जाओ जरा, अगर यहाँ पे थ्रोन इमोट है तो मतलब यहाँ पे आसपास कोई प्लेयर भी होगा। कहाँ है, ढूंढो उसे। पता नहीं यार क्यों, पर मुझे बहुत डरावनी वाइब्स आ रही है। मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे कोई भूत या जीपर्स क्रीपर्स है या कालो। hey, तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, वरना हम गोटे फेंकेंगे, बोलना मत लग गए जम से।
कोई सुनो तुम। एक लगता है कोई पागल है लगता है। ए कौन है रे? स्वागत है भाइयों। स्वागत है तुम सभी का मेरे सुनसान वीरान रेगिस्तान में। और मैं इस रेगिस्तान का किंग हूँ। हे अगर तुम किंग हो तो तुम्हारी रानी कहाँ है? वो सॉरी है पर मेरे पास तुम लोगों के लिए ऑफर है। I want to play a game. क्या मतलब? गेम खेलना है? पहले ये बताओ तुम कौन हो? उससे बड़ा सवाल है ये जगह कौन सी है? उससे बड़ा सवाल है कि मैं यहाँ पे क्यों? ये कहाँ से आया? अरे जैसे तुम लोग गायब हुए ना वैसे मैं भी गायब होगा मालूम है, और साथ में टाइगर भी। इसका मतलब तो वो भी आया होगा। है? कुछ गड़बड़? मैं आया तो तुम्हें क्या हुआ? तू आ गया। देखिए मिस्टर इलेक्ट पास, आई डोंट केयर आप कौन से सीजन के हैं, पर हमें ये बता दीजिए कि हम कौन सी जगह पे हैं और हम इस जगह से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कुछ नहीं नहीं, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। मेरी मर्जी के बिना तो तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर तुम यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मेरा एक चैलेंज करना होगा। आई वॉन्ट टू प्ले अगेन विद यू। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो मेरे साथ एक गेम खेलो, मेरे चैलेंज को कंप्लीट करो, और अगर तुम चैलेंज जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब मैं तुम्हें गेम के नियम समझाता हूँ। तुम्हें बस ना कुछ लोगों को हराना होगा, और जैसे तुम उन लोगों को हराओगे और उसके बाद हम तुम्हें छोड़ो। चलो चलो निकलते हैं। हाँ पागल कहीं का सही का चलो यार, टाइम वेस्ट कर रहा है। इसके कपड़े देखे पूरे जोकर के जैसे। नहीं जा सकते तुम ऐसा। हाँ नहीं नहीं बहुत पागल है। अरे उसका तार निकालो या पागल की है पापा करना होनी। इस रेगिस्तान को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। पैसे की आग मुंह पे राग होगा जब जब कुछ खाक तो इस राजा को ढूंढते हुए। अबे जाओ मैं मक्की के डायलॉग मारना बंद कर। शो गरीना वाले भी कैसे कैसे राइट पास बना रहे हैं, खुद को सच में का राजा समझने लग गया। पागल एक नंबर का। हाँ यार चलो जल्दी चलते, हो सकता है मेरा रास्ता मिल जाए। वो देखो लगता है फिर पागल कुर्सी लगा के बैठ गया। क्या हुआ दोस्तों, अभी तक रास्ता नहीं मिला क्या? अबे जा मैं केजी को नाश्ता बुझेगा, लाइट मारो चल निकल। बॉस तुम बोलो तो इसके आंख पे मैं छोड़ देता हूँ, अपने आप को पूरा काट के फेंक दूँ ऐसे। अरे छोड़ छोड़ चलते रहे भाई, चलते रहो चलते रहो। उठा के आना होगा दस बार। बस चुपचाप चलते रहो और चलते रहो चलते रहो चलते रहो बस चलते रहो बस चलते रहो बस चलो 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 चलो। कितने भी दूर चले जाओ मेरे पास ही लौट के आओगे, इस जगह का राजा हूं मैं। और दोस्तों कैसे हो, एक बार फिर से मुलाकात हो गई। चलते रहो चलते रहो बस चलते रहो चलते रहो। चलते रहो चलते रहो चलते पागल जा रहे। दोस्तों कितने बार लौट के आओगे मेरे पास? चलते रहो चलते रहो जादू है। हाँ मतलब तुम राजा के साथ जादूगर भी हो, अच्छी तरीके से हमें छोड़ दो वरना हमें। अगर ऐसा ही रहा तो हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसका चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा, और ये जो बोलता है वो गेम खेलना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना है ठीक है तुम जो बोलते हो हम वो गेम खेलेंगे, पर तुम्हें वादा करना होगा कि गेम खेलने के बाद अगर हम वो गेम जीत जाते हैं तो तुम्हें हमें यहाँ से हमेशा के लिए आजाद करना होगा, और अपने इस मायाजाल को तुम उसी वक्त बंद कर दोगे। वादा करो हमसे। मेरे डंडे में बेटे एक चीज की इज्जत है और वो है मेरी जबान की। तुम गेम जीतो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और अब शुरू करते हैं हमारे प्यारे से गेम बम स्क्वाड रे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लगता है अंदर
समंदर में फंसने वाले हैं। ये तो उससे भी कुछ ज्यादा है। आज तक नहीं देखा, पता नहीं कौन सा मैप है पर बहुत अच्छा है। अरे एडम तुझे कितनी बार समझो, ये बम स्क्वाड का नया मैप है जो गरीना स्पेशल बम स्क्वाड के लिए बनाया। जैसा ही करा है, ये जो मैप है इसमें ही हमें अब खेलना पड़ेगा। इस मैप का मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैप में हमें ध्यान से खेलना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले कभी इस मैप में बम स्क्वाड नहीं खेला। अरे आलोक, लड़ने से पहले एक बार बंदे तो देख लो यार, कितने हार्ड बंदे हैं यार, सबके 80-80 लेवल है। एक मिनट रुको जरा वेगर, वो ऊपर देखो। अरे बाप रे, उसके पास तो उड़ने वाला बादल है। मुझे यकीन नहीं होता। कोई जी, क्या ये सच में उड़ रहा है? वेलकम 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 टू पस्तेलो। तो आज तुम्हें इस मैप में खेलना है बॉम्ब स्क्वाड। तो आओ बताओ तुमको बॉम्ब स्क्वाड के नियम। मिलेगा तुम्हें 3-3 बारी के बाद एक बड़ा सा बॉम्ब। बॉम्ब को प्लांट करना है तुम्हें ए या बी साइड में। एक बात का रखना है ध्यान, एक ही बंदा कर सकता है बॉम्ब को प्लांट। बाकी को लगानी है डिफेंस में अपनी जान। नहीं बचा पाए तो वैसे भी जाएंगी फपकी जान। अगर कर देते हो उसे सक्सेसफुली प्लांट और देते हो फोड़ तो बन जाओगे इस गेम के हीरो। बॉम्ब फूटने से पहले अगर अपने एनिमीज को मार देते हो पांचों के पांचों तो दिख जाओगे ऑटोमेटिक इस राउंड को। लेकिन अगर एनिमी ने कर दिया तुम्हारा बॉम्ब डिफ्यूज तो ऑटोमेटिकली हार जाओगे चाहे मार दिए हो पूरे उसके बंदे। तो ये था बॉम्ब स्क्वाड का कानून। चीटिंग नहीं, हैकिंग नहीं, और सबसे बड़ी बात बॉम्ब को फूटने देना नहीं। अंडरस्टैंड? हां समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। पहले बंदे को दिखा दो इससे लड़ना है हमें। तो आओ मिलाता हूं वो स्क्वाड से जो मिले थे मुझे रेगिस्तान में और जो है तुम्हारे दुश्मन जान के। जिस्म में मेरे है कुछ भी नहीं जान, मेरा नाम है हड्डी द शैतान। ओए 1-2-3-4, मैं हूँ घूस राइडर की नाजायज औलाद। हमारा नाम है ठोके, सबने अपुन बेट की डे ठोके बोले तो। मुझसे लड़ने की कोई सोच न सका, जो सामने आया खड़े रहने के लायक नहीं बचे। 7-0-0-7 रैम्पेज 0-0-7 और ये है मेरी टीम द अल्टीमेट 0-0-7 रैम्पेज। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। ये तो चले गया, अब क्या? बाप रे, सामने तो कुछ एक्सट्रीम ही नेक्स्ट लेवल बंदे हैं। तो मुझे बस इतना बताओ कि बॉम्ब को कौन जाके प्लांट करेगा और डिफेंस में कौन है, जल्दी बताओ, हमें पास टाइम नहीं है। मैं बम लगाऊंगा, तुम लोग मेरे को कवर दो सिर्फ। ओके ठीक है क्रिमिनल। मैं तुम सबको कवर दूंगा और नीच फेंकूंगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं कर सकता मैं। और मैं तो अरे तू कुछ मत कर, सीट टू कवर दे ओनली, ठीक है? ओके दोस्तों, यहाँ पे लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है जल्दी जल्दी अपनी सारी गन्स ले लो। मैंने ले ली G18, मैंने ले लिया M500 और मैं दो आइस वाले बम ले लिए हैं। क्रिमिनल वो देखो हमारा बॉम्ब, तुम्हें बस उसे साइट ए या साइट बी में जाके प्लांट करना है और हम तुम्हें पूरी कवर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना बॉम्ब को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों, और कुछ भी हो जाए बॉम्ब को उन लोगों को डिफ्यूज मत करने देना। समझ गया? अगर उन्होंने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया तो हम लोग हार जाएंगे। समझ गया? और हमें किसी भी तरीके से उन लोगों को खत्म करना है। हाँ, नेट से मारेंगे। और मेरे पास ठंडे बम है। तो दोस्तों अगर तुम लोग तैयार हो। तैयार हूँ।
तो दोस्तों आज का वीडियो यही पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ गया है आपको वीडियो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो का फेवरेट मोमेंट आपको कौन सा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों आपको। और यार आपको ये इतना वीडियो देख ही लिए हो तो आपको पता चल गया होगा कि अगले वीडियो में क्या होने वाला है। तो क्या कोई गेस कर सकता है कि अगले वीडियो में क्या होगा? और भाई अगर आपका गेस नहीं किया 20% भी राइट निकलता है ना तो भाई आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा 3 दिन के अंदर। तो कमेंट करो, सब बताओ भाई वीडियो में अगले वीडियो में क्या हो सकता है और मेजर पार्ट अगले वीडियो का क्या रहेगा। चलो यार गेस करना शुरू कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप में से 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बस फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।